हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी है वो कौन सी है और हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है या हमारे शरीर की सबसे ज्यादा बड़ी मसल्स कौन सी है? आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली हाथ की ताकत का लगभग 50% से अधिक बार उठाने में योगदान देती है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम मानव शरीर से जुड़े कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके नॉलेज में इंक्रीज तो करेगा ही, साथ ही आपको दूसरी भीड़ से भी अलग बनाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेडिकल फ्यूचर। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर है। इसे थाई बोन भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में थाई पर उपस्थित होती है। यह बोन स्टील से भी कई गुना मजबूत होती है। फीमर बोन किसी व्यक्ति के शरीर के वजन का लगभग 30 गुना वजन अधिक सहन कर सकती है। इसलिए किसी एडल्ट ह्यूमन में उसकी हड्डियों का 25% हिस्सा उसके पैरों में होता है। जैसे कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यानी फीमर भी हमारे पैरों में ही लोकेटेड होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी ह्यूमन हैंड की सबसे छोटी उंगली उस हाथ की ताकत में सबसे ज्यादा योगदान देती है तो आप शायद ही विश्वास करेंगे। परंतु यह सच है कि हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसे हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं हमारे पूरे हाथ की ताकत का लगभग 50% से अधिक योगदान देती है। इसलिए कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या आप जानते हैं कि जब हम एक कदम उठाते हैं और एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर की लगभग 200 मांसपेशियों का उपयोग होता है और हमारे शरीर में लगभग टोटल 600 मांसपेशियां होती है। इसमें से सबसे बड़ी मसल का नाम ग्लूटस मैक्सिमस है। इसके साथ ही यह सबसे पावरफुल मसल भी है क्योंकि ग्लूटस मैक्सिमस हमारे शरीर के ट्रंक यानी शरीर के बीच वाले हिस्से को हमेशा सीधा रखने का कार्य करती है जो कि शरीर के बैक साइड यानी हिप वाले एरिया में लोकेटेड होती है। आपको ये फैक्ट जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में जितनी आबादी नहीं उससे अधिक हमारे मुख में बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक होते हैं जबकि कुछ लाभदायक भी होते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन के पेट में बैक्टीरिया की टोटल 67 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए हमेशा हाजमोला जरूर खाएं। आपने यहां कभी नोटिस नहीं किया होगा कि हम जिस हाथ से लिखने का काम ज्यादा करते हैं उस हाथ के नाखून दूसरे हाथ की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। अब अगली बार जब आप नाखून काटने जाएं तो अपने हाथों के नाखूनों को एक बार जरूर कंपेयर कर लें और देखें कि क्या यह सचमुच होता है। हमारा माइंड उस समय ज्यादा सक्रिय होता है जब हम जागने की तुलना में सो रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी हर साल 4 किलो से अधिक त्वचा ऐसे ही झड़ जाती है, यानी हमारा वेट हर साल लगभग 4 किलो से अधिक कम हो जाता है केवल हमारी त्वचा के झड़ने के कारण। कई बार जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन बेबी जब तक 1 महीने का नहीं होता तब तक उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आता। यहाँ तो आपने भी गौर किया होगा कि छोटे बच्चों के आंसू नहीं आते जब वे रोते हैं। और जब बच्चे का फॉर्मेशन माँ के पेट में हो रहा होता है तो सबसे पहले बच्चे के हृदय का निर्माण होता है जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ही हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट ज्यादा अच्छा लगा या कौन सा फैक्ट ज्यादा आश्चर्यजनक लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आशा करता हूँ कि आज वाली वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जरूर ऐड हुई होगी। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं जहां हम ऐसी ही मजेदार पोस्ट और ह्यूमन बॉडी से जुड़ी एनिमेशन वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही डेली क्विज में भी हिस्सा ले सकते हैं जो हम रोजाना 5 बजे अपलोड करते हैं और अगले दिन 10 सही जवाब देने वाले लोगों को हम विनर के रूप में मेंशन भी करते हैं। आप भी सही उत्तर देकर विनर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर में रहें। गुड बाय।